डियर बच्चों, आज आपका जो सेशन है 2019 का मॉडल पेपर FET सेट नंबर 3 है, पेपर कोड FN है। ठीक है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, इसमें आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए, आपको पता है 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक विकल्प आपका सही होगा और सही विकल्प चुन करके आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरियां व कोर की लंबाई होती है, जो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH को 450 ml बिलियन में घोला गया, तो इसकी क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा 4.44, इसका आंसर हो जाएगा। जब आप निकालेंगे मोलर तत्व 4.44 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा उसमें से आप देख लीजिएगा, उनमें से सभी होगा। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्धायुकाल कह रहा है कि 400 सेकंड, कितना 400 सेकंड, तो इसका वेग निकालना है, तो वेग निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है, तो के इक्वल टू आपका फार्मूला होता है के इक्वल टू 0.963 बाई आप 400 सेकंड भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 1.73 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका सेकंड इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि देखिए, आप लोग का अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल, ठीक है, एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तो आपका ये हो जाए SCH3NH और CH3 आपका हो जाएगा। आरएनए में उपस्थित क्षारक है, तो आरएनए में जो उपस्थित क्षारक हो जाएगा वो हो जाएगा, आरएनए में उपस्थित क्षारक क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखा है एडिनिन गोनिन साइटोसिन यूरेसिल, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, जब घनी जालक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय, ठीक है, संरचना की संकुल क्षमता की गणना करो, तो बेटा ये आप लोग का ऐसा बनाएंगे, तो यहाँ से ये निकालेंगे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, R इक्वल टू 3/A/4 हो गया, अंतः केंद्र में परमाणुओं की जो संख्या हो जाएगी एन संकुलन क्षमता बराबर 2 परमाणुओं का आयतन बटे क्या, घनी आयतन, तो यहाँ से जब आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, तो यहाँ से जब आप लोग निकालेंगे आ जाएगा 2 × R/3 πr³ हो जाएगा, और यहाँ से a³ हो गया, जब इसको निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.68% आपका आ जाएगा। देखिए, हम इसी का दूसरे का जो खा नंबर, जो मेरा प्रश्न कह रहा है, खा नंबर क्या कह रहा है कि बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 450 ग्राम विलायक में, ठीक है, कह रहा है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घोला हुआ है, तो ठीक है, तो हम देखें ये स्मॉल डब्ल्यू का मान ये आपको दिया गया है, और यहाँ पे NaOH का होता है 40, ठीक है, इसकी जब द्रव्यमान अणुसूत्र निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, 40 आ जाएगा, और कैपिटल डब्ल्यू का मान 440 दिया गया है, जो फार्मूला क्या होता है, मोललता, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 20 बटे 40 गुणे 100 1000 बटे 440 को जब यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आपको पहले आ जाएगा 25 बटे 22, जब इसको भाग देंगे 1.136 मोल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि डेनियल सेल के लिए ठीक मानक इलेक्ट्रोड विभव कह रहा 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है, तो गिब्स ऊर्जा की गणना करना है, तो यहाँ पे देखिए गिब्स ऊर्जा बराबर ये फार्मूला होता है माइनस एन एफ
इनोड। तो यहाँ पे जो एन निकाला गया, तो जब इसमें निकालेंगे तो पहले इसको अभिक्रिया में तोड़ेंगे। जब एनोड पे कौन सी हो रही, कैथोड हो रही, अब दोनों को जब इस अभिक्रिया को दोनों को जब हमने ये हमारा इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद ये इक्वेशन बना लेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अब इन दोनों को जब देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कट गया, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अभिक्रिया में 2n होगा। अभिक्रिया में क्या, n बराबर 2 होगा। जो हमारा फार्मूला देखो, अब बोल्ट हम ई नॉट की वैल्यू हम लोग को दिया गया क्या 1.1 बोल्ट, और यहाँ पे फैराडे की जो वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, ठीक है 9000, ठीक है आप कह सकते हैं 96500, ठीक है 96500 कर सकते हैं। अब यहाँ जब फार्मूले पर रख लेंगे, ठीक है इस फार्मूले पर रखेंगे कि माइनस एन, एन की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे हम लोग की वैल्यू ये दिया गया 96500 इंटू 1.1 की वैल्यू दी गई है, जो 1.1 की वैल्यू दी गई 1.1 वोल्ट आपको दिया गया है। और यहाँ पे जब आप लोग ध्यान देंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -2 1.300 कूलाम प्रति जूल आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक बच्चों, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, विस्मांगी उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए। विस्मांगी उत्प्रेरक क्या होता है, इसके सिद्धांत को हम लोग को क्या करना है बताना है। तो यहाँ बता रहे, इस सिद्धांत के अनुसार ठोस उत्प्रेरकों गैसी अभिकार को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेते हैं। जो कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो ठोस उत्प्रेरक होता है वो गैसी अभिकारक को अपनी सतह पे क्या कर लेता है, यानी ठीक है अधिशोषित मतलब सोख लेता है, जिस कारण ठोस की सतह पर इनका सांद्र जो होता है बढ़ जाता है, तथा द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यद्यपि इस सिद्धांत की कमी यह भी है कि इससे गैसी गैस और द्रव उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका सिद्धांत कह रहा है कि आधुनिक अवशोषण का जो सिद्धांत कह रहा है कि आधुनिक सिद्धांत में माध्यमिक यौगिक सिद्धांत तथा अधिशोषण सिद्धांत की एक साथ संयुक्त कर दिया गया, ठीक है जब कह रहा है कि एक साथ इनको हम संयुक्त कर देंगे तो क्या होगा ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि किस ताप पर विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार और कह रहा है 0.5 ठीक है ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कह रहा है कि 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है तो ठीक है यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया है पी नाट की वैल्यू दिया गया है 0.416 बार, और पी एस की वैल्यू जो दिया गया है 0.414 बार, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 0.5 ग्राम, और स्मॉल एम की वैल्यू हमको निकालना है, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया 42 ग्राम और कैपिटल एम की वैल्यू दिया गया 84 ग्राम। जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। तो यहाँ से निकालें 0.416 माइनस 0.414 अपान 0.416 इक्वल टू यहाँ निकालेंगे 0.5 अपान एम और 84.42। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है स्मॉल एम की जो वैल्यू आ जाएगी 208 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 208 स्मॉल एम की वैल्यू आपको आ जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं प्रश्न पे। चालकत्व को कह रहे कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व
एवं प्रतिरोध में क्या संबंध है, यानी चालकता हम आप वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चालकत्व को परिभाषित कीजिए और चालकत्व प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता चालकत्व तो कहते हैं। अब करवन अपान चालकता बराबर वन अपान क्या होगा, आर होगा, इसका मात्र क्या तो ओम इनवर्स होता है या इसका मात्र ठीक है सीमेंस होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, एंड विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन लोग कैसे करेंगे। ठीक, अब जो कोलाइडी विलयन में कुछ क्रिस्टलाब की अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं, कोलाइडी कणों से इन क्रिस्टलाब की अशुद्धियाँ को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रक्रिया होती है कोलाइडी विलयन का वैद्युत शोधन या इसी को वैद्युत अपोहन कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों के प्रति हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को समझाइए, उनकी क्रियाशीलता क्या है हमको इसको समझाना है। समूह कह रहा है कि इनकी क्रियाशीलता, जिससे पहले हमने अमोनिया ले लिया और ये फास्फीन ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, ठीक है, बिस्मत इसको हम स्ट्रिक्टिन बोलते हैं और बिस्मथीन हो गया, ये सारी ये बढ़ती यानी क्रियाशीलता है, इसी को हम लोग को एक क्रम में हम लोग को क्या करना है दिखाना है। बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे मेरा जो प्रश्न वो आपका सिलेबस से बाहर हो गया, 19 में सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न है कि हाँ प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 एरो टू NO2 प्लस 1/2O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की, ठीक है, कि कह रहा है कि प्रारंभिक सांता यहाँ पे लिखा 0.60×10^-2 मोल, ठीक है, लीटर इन्वर्स मोल इन्वर्स थी, जो कि 60 मिनट के उपरांत कह रहा है कि इसका यहाँ पे 1.20×10^-2 मोल रह गई। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, जबकि लॉग 3 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ठीक है रखते हैं, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया से फार्मूला लॉग R1/R2 = K T1-T2/E रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को K निकालना, जब हम पक्षांतर करेंगे तो हम लोग जो फार्मूला मिल जाएगा क्या, K = 2.303/T2-T1 log R1/R2। तो यहाँ से हम लोग जब पुट करते हैं तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू निकलेगी K = 2.303/60 मिनट हो जाएगा। जब इसको यहाँ पे हम लोग रख लेंगे सारी वैल्यू, जब रखने के बाद जब काट पिट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल, क्या आ जाएगा, 120 टू मोल है, 2 मोल के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.011438 मोल इन्वर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अगला प्रश्न बनता है, उपसंयोजन यौगिक की आयनन, ठीक है, समयता क्या होती है बताना, ये बताना है, दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में वियोजन के बाद उनके आयनों में क्या होती है, भिन्नता आ जाती है, एक दूसरे के आयनन समयवी यौगिक कहलाते हैं तथा इस घटना को आयनन समयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को आयनन समयवता कहते हैं। देखिए हेलो एल्केन में एक आणविक, ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन NS1 तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हम लोग को बताना है। बताया क्या, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक, क्या बताए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH आयन HCN आयन आदि आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। नाभिक स्नेही अथवा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN कहलाती है। क्रियाविधि के आधार पर SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि SN1 यानी एका अणु नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन, यहाँ पर इसको कह रहा है कि द्विअणु नाभिक नहीं प्रतिस्थापन हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। इसके बाद इसका प्रथम पद मंदवा वेग निर्धारण होता है, द्वितीय पद तीव्र से संपन्न होता है। इन अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण पद में केवल एक अणुक भाग लेता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है। क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया है, कह रहा है कि अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल अभिकारक, अभिक्रिया की दर पर आर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से अब यही कह रहा है कि तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड पर नाभिक से नहीं ओएच का ठीक आक्रमण कैसे होता है, यहाँ पे बताया गया। तो ये आपका सी एस, देखो यहाँ पे बताया गया सी और सी एस थ्री कर लेंगे, बी आर ओ एस आप क्रिया कर लेगा, तो हमारा ये कर लेगा, यहाँ पे ये बना लेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया में हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रिग्नर्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण भी देना है, इनका समीकरण भी देना है। अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि हमने क्या लिया, एथिल एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल को सल्फर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल सी एच टू डबल वन सी एच टू, और यहाँ पे सह उत्पाद में एच टू मिल जाएगा। अब दोबारा इसी को कह रहा है कि एथेनॉल को पुनः क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 130 से 140 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम लोग हीटिंग कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग को कौन सा समूह है, इसमें ईथर समूह है और आपको मिल जा रहा है एच टू ओ सह उत्पाद रूप में बन गया। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, एल्कोहल का निर्जलीकरण निम्न पदों से क्या होता है, पूरा होता है। प्रथम पद में क्या बताया था, प्रथम पद में आपको स्टेप बता रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एल्कोहल के ओएस समूह को एक, ठीक है, एक कह रहा है कि प्रोटॉन दे करके प्रोटीनीकृत एल्कोहल बनाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है। ये क्या है आपका एल्कोहल है, ये क्या आपका एल्कोहल है, एच हो गया, एक इनको प्रोटॉन दे दिया तो यहाँ पर प्रोटोनीकृत एल्कोहल मिल गया, ठीक है। और क्या है द्वितीय सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, प्रोटीनीकृत एल्कोहल जल का एक अणु भाग त्याग करके अस्थाई कार्बो धनायन बनाता है, क्या बनाता है, कार्बो धनायन बनाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व का कारण बताइए। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एथेनॉल व फिनाल के आयन का जो साम्य होता है यहाँ पे बताया गया है, जब इसके साथ ये क्या प्रोटॉन हो गया, एथॉक्साइड आयन हमारा बन गया। इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण की सहायता से बताना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, जब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा देंगे, मतलब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा देंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका पिक्रिक अम्ल, जो यहाँ पे पिक्रिक अम्ल बना है। इसको हम लोग TNT के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, इसको हम लोग TNT के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग 3H2O बन जाता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फिनॉल से बेंजोक्लिन कैसे प्राप्त करेंगे। जब फिनॉल को हम लोग क्या करेंगे, CrO2Cl2 के साथ ऑक्स, ठीक है, इसके साथ गर्म कर देंगे तो हम लोग को बेंजोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, क्या होता है जब केवल समीकरण की सहायता से बताना है। एथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराना है, क्या एथेनॉल की क्रिया जब हम लोग अमोनिया से करा देंगे, आप HCHO को 4, ठीक है, मॉलिक्यूल अमोनिया के लेकर आप क्रिया करवा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ करवा दो, एथेनॉल ले लिया, HCHO को कास्टिक सोडा अप्रिया करा देंगे तो यहाँ पे एथिल मेथिल एल्कोहल बन जाएगा
HCOO Na बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपेनोन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कैसे करें। प्रोपेनोन के नाइट्रिक अम्ल से कैसे कराएंगे, प्रोपेनोन ले लेंगे CH3CO CH3 ले लेंगे, इसको 4O के साथ क्रिया करवा देंगे तो ये क्या एसिटिक अम्ल क्या बनेगा CH3CH3COOH बनेगा, CO2 बनेगा और यहाँ पे हमारा जल बन जाएगा। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल को, नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ जब गर्म करेंगे तो एथेनोइक अम्ल ले लिया P2O5 के साथ गर्म कर देंगे एथेनोइक एनाहाइड्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसको हम लोग को देखना है इनके साथ। ठीक है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया और इसके साथ गर्म कर दे रहे हैं तो मेरा बेंजोल बेंजोल एसीटोफिनोन बन गया, इसका नाम है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, रोजन मुंड अपचयन क्या होता है, अम्ल क्लोराइड का अब बताया जा रहा है क्या अम्ल क्लोराइड का अपचयन। ठीक है, बेरियम सल्फेट पर आधारित पोलैंडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर ठीक है एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को रोजन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिया गया R CO, यहाँ पे RCOCl लिया गया 2H के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो RCHO और HCl प्राप्त हो गया। अब देखिए रिटार्ट अभिक्रिया क्या होती है, टालुइन का जल अपघटन क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर ठीक है बेंजल्डिहाइड बनता है, इस अभिक्रिया को इटॉट अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ जैसे ये हमारे लिए टालुइन लिया गया, टालुइन को जब CrO2Cl2 के साथ जब गर्म कर देंगे तो यहाँ पे ठीक है बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सिम्ट अभिक्रिया क्या है बताया जा रहा है कि ध्यान देना, जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया बेंजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है, इसी अभिक्रिया को सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं तो यहाँ पर हम लिया ऐसे RRCOOH और यहाँ हाइड्रोजोइक अम्ल लिया, इसे अभिक्रिया करा दें RNH2CO2 और N2 बन गया। ठीक है, इसके बाद है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कैनिजारो अभिक्रिया, क्या फार्मेल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया NaOH से कराने पर मेथिल एल्कोहल या फार्मेट लोड बनता है, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे 2H यहाँ 2HCHO और NaOH के अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा मेथिल एल्कोहल, क्या बनेगा मेथिल एल्कोहल HCOONA बन जाएगा। क्रॉस एल्डोल, इसके बाद क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, जब एसीटोन के दो अणुओं को बेरियम हाइड्राऑक्साइड की उपस्थिति में परस्पर संघनित किया जाता है तो डाई एसीटोन एल्कोहल क्या बनता है, तो आप लोग बच्चों डाई एसीटोन एल्कोहल बनता है, इसी क्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को संघनन अभिक्रिया कहते हैं जो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया। इसके बाद बता रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण हम लोग को लिखना है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं, SO3 को H2O के साथ जब गर्म कर देंगे H2S2O7 पोलियम बनता है, क्या बनता है पोलियम बनता है। इसके बाद कैल्शियम फ्लोराइड से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनेंगे, CaF3H2SO4 साथ गर्म करें कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन की क्रिया फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन पर गर्म करेंगे तो यहाँ Cl2 ले लेंगे तो यहाँ पे 2ClF बन जाएगा। इसके बाद क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो Cl2 और 2F2 के साथ 500
573 केल्विन पर गर्म करते हैं, 2ClF3 बनता है। नेक्स्ट हम अभिक्रिया लेते हैं XeF4 तथा O2F2 के साथ 173 केल्विन पर गर्म कर देंगे, XeF6 और O2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। और देखिए बताया गया किन पदार्थों को विटामिन कहते हैं, विटामिन के वर्गीकरण स्रोत और दैनिक जीवन में महत्व बताना है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि विटामिन क्या होता है, विटामिन भोज पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन को दो भागों में क्या कहा जाता है, दो भागों में विटामिन को विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपका है वसा में विलेय विटामिन, दूसरी बात जल में विलेय विटामिन की बात की जा रही है। वसा में विलेय विटामिन, वे विटामिन तेली पदार्थ होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं, परंतु वसा और तेल में विलेय होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के प्रकार के विटामिन के उदाहरण हैं। और यहाँ पे बताया गया कि विटामिन उनके स्रोत व कमी द्वारा उत्पन्न रोग कैसे होता है। अब यहाँ पे आप लोग को बताया जाना है कि विटामिन ए है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए का स्रोत C12H30O लिया गया, इसमें बता स्रोत क्या है, दूध है, मक्खन, अंडा है, ठीक है। तो इसमें गाजर वगैरह आपका बताया जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि रतौधी होती है, कम प्रकाश में ना देख पाना ये होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, इनका स्रोत क्या, दाल, हरी सब्जियां, इससे बेरी बेरी रोग होता है, कम वृद्धि, मानसिक आकर्षण होता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि विटामिन बी12 से क्या होता है, विटामिन बी12 मतलब इस स्रोत क्या है, मांस है, यकृत की, घी, अंडा, ठीक, इससे मुँह के किनारे का फटना तथा संक्रमण ये बताया जा रहा है। और विटामिन सी आंवला, हरी सब्जियां, स्रोत में आंवला, हरी सब्जियां, और क्या आंवला, हरी सब्जियां, और क्या है, अनानास हो गया, इससे स्कर्वी रोग होता है, घाव देर में क्या होता है, घाव देर में भरता है। विटामिन डी, इससे कह रहा है कार्ड, लीवर, तेल, पराबैंगनी किरणें हैं, ऐसे रिकेट्स रोग होता है, जोड़ों में सूजन, दांतों में विकृत होती है, दांतों में क्या होती है, विकृत होती है। ऐसे ही आपका विटामिन ई, ऐसे विटामिन ई है जो वनस्पति तेल, यकृत, मछली से प्राप्त होता है, जंतुओं में, ठीक है, पेशी कह रहा है कि ताकतों का क्षय होना होता है, मांस, ठीक है, मांसपेशियों में दुर्बलता आती है, के हो गया, सोयाबीन, गोभी, ठीक है, तेल हो गया, रक्त बहने का रोग होता है, रक्त के थक्के जमने, रक्त के थक्के सरल से बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। जल में विलेय विटामिन, अब बता जल में, ये जल में विलेय होते हैं, इनके अंतर्गत विटामिन बी, ठीक है, कम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। तो सो थैंक्स बच्चों, आप लोग का ये आपका इसी तरह हमने आज थोड़ा हमने जल्दबाजी में ये सेट मैंने करवा दिया, टाइम नहीं था। तो अगला आपको सेट आप लोग को मिलता रहेगा, इस सेट के लिए आप लोग को सभी को सो थैंक, बेस्ट आप लग, धन्यवाद। अगला सेट हम आपको अगले वीडियो में आप लोग को